Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या अब भी पार्वती बनना चाहेगी अहिल्या देवी जैसा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पार्वती जिस तरह से इस वाड़े में आई थी, तब पार्वती चहकती थी, पार्वती बातें करती थी, पार्वती कहानियां सुनाती थी और कहीं ना कहीं सबको अच्छी लगती थी। मगर अब पार्वती पे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है द्वारिका का कि तुम अहिल्या से दो कदम आगे चलो, अहिल्या ये करती थी, अहिल्या वो करती थी, और जब वो बाकी लोगों से भी तारीफें सुनती है तो पार्वती का सेल्फ जो है वो दबता जा रहा है। अब ये कितनी देर तक दबेगा दोस्तों, कहीं तो इसका अंत होना ही है और वो अंत होता दिखाई दे रहा है इस कड़ी में। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पार्वती जो भी कर रही है खंडेराव को पाने के लिए कर रही है, ना सिर्फ खंडेराव बल्कि उसका प्यार पाने के लिए कि मेरा पति खंडेराव मुझसे प्यार करे, तो ये होता उसको नजर नहीं आता है। जहां पे वो ढीली पड़ती है, जहां पे वो सोचती है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, वहां पे द्वारिका या फिर रकमा आके उनको कुछ कुछ ऐसा सिखाती है कि पार्वती फिर से स्टैंड अप होती है और अपने मिशन में आगे बढ़ती है। तो एक दो बार खुद भी नोटिस कर चुकी है कि खंडेराव जो है वो सिर्फ अहिल्या को जलाने के लिए, अहिल्या को दुखी करने के लिए उसके पास आते हैं, क्योंकि उस टाइम उनमें झगड़ा चल रहा होता है। ये सब होने के बावजूद वो आगे बढ़ती है, अपना सेल्फ पूरी तरह से भूल चुकी है। जबकि पार्वती खुद जो है उसी को नर्चर करे, उसी को ग्रो करे तो वो बहुत अच्छी एक वाइफ बन सकती है। मगर नहीं, यहाँ पे दूसरों के प्रेशर में आके वो अहिल्या जैसी बनना चाहती है। अब जब खंडेराव और अहिल्या ने मिलकर एक ऐसी विक्ट्री हासिल की है, एक बच्चे की जान बचाई है, और अहिल्या देवी की जो सोच थी, नई सोच थी, जो पहले खंडेराव ने नहीं देखी थी कि मैदान में यार कि जंग में, जंग के मैदान में भी अहिल्या देवी ऐसी सोच को लेके आ सकती है और पूरी बाजी विक्ट्री की तरफ पलट सकती है, तो खंडेराव की हैरानी का कोई जो है कह सकते हैं कोई सीमा नहीं थी। इसलिए वो जब आते हैं और अहिल्या देवी की आई से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी बेटी जैसा कोई नहीं है, यही इसी तरह के कुछ शब्दों का वो चयन करते हैं और तारीफ में बहुत कुछ कहते हैं अहिल्या देवी की। पार्वती सुनती है और पार्वती रो रही है। इसके बाद भी पार्वती अगर हाँ करती है और फिर से कोशिश करती है कि मैं अहिल्या देवी जैसी बन जाऊं, तो पार्वती बहुत बड़ी मूर्ख है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद तो पार्वती को यह सोचना ही बंद कर देना चाहिए कि कोई भी किसी जैसा नहीं बन सकता है, वो अपने आप में ही इंप्रूवमेंट करे तो वही अच्छा है। अगर वो अहिल्या देवी बनेगी या बनने की कोशिश करेगी तो नहीं बन सकती है, क्योंकि हर एक की क्वालिटी यूनिक होती है, हर एक में अपना एक नेचर होता है, उसी के ऊपर उसकी लाइफ चलती है। तो ये पार्वती को सोचना पड़ेगा दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता है कि इसके बाद पार्वती ये हिम्मत करेगी, मगर फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.